आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बताना हमको? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व। आपको कर्व के क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? यहाँ पर इसकी स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बतानी क्या होगी अपने पास, और चार ऑप्शन गिवन है अपने। सो वाई का इशू है माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। तो इस कर्व की जो स्लोप होगी वो होती है dy by dx। स्लोप अपनी कर्व की dy by dx होती है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 12, ये बचेगा स्लोप अपनी, ये आ गई। अब स्लोप आपको मैक्सिमम करनी है, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव अपना, तो वो कितना बनेगा माइनस 6x प्लस 6। अब इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। देखो बेसिकली हमारा फंक्शन इसको समझो, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। वहां पर जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर वैल्यू मेरी मैक्सिमम या मिनिमम होती है मेरी, ठीक है? ये हमने डी बाई डी एक्स इसलिए किया क्योंकि हमने इसे स्लोप निकाली है। ये पहले मैंने इसकी स्लोप निकाली यहाँ पर, अब इस स्लोप को मैक्सिमम करना था तो उसको डेरिवेटिव किया। अब यहाँ पर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम या मिनिमम हमारा फंक्शन। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी बेसिकली इसका ट्रिपल डेरिवेटिव डी क्यूब वाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई क्यूब अपना डी एक्स क्यूब। देखो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है, पर अगर हम इसको इस तरह से समझे फंक्शन की तरह से, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम चेक करने के लिए कि मैक्सिमम मिनिमम है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस से 6 आएगा विच इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया अपना मैक्सिमम हो गया। और किस वैल्यू पे हुआ, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हुआ, तो एक्स इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दो फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू, ये फंक्शन ये था मेरा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो स्लोप वैल्यू पता लग जाएगी आपको मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्लोप जो रहेगी मैक्सिमम स्लोप रहेगी माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे अपनी प्लस 6 इंटू में 1 प्लस 12। तो ये तो हो गया मेरा माइनस 3 प्लस 6 प्लस 12, तो माइनस 3 प्लस 6 प्लस का 3 प्लस 12 इज 15, तो आंसर आ गया 15। तो स्लोप की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 15 आएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।